तो पिछली बार हम लोगों ने लेवेंडर टाउन में जाने की ट्राई की थी, बट हम लोग आके रुक गए थे डार्क केव के पास। तो यार आज हम लोग डार्क केव से जाने वाले हैं लेवेंडर टाउन में भाई रियल घोस्ट को फाइंड करने, जहाँ पर ऐश भी गया था एंड वहाँ पर उसे गैंगर हंटर एंड गैसी मिले थे एंड उन्होंने उसका आत्मा निकाल लिया था। तो आज हम वहीं पर जाने वाले एंड देखने वाले हमारे साथ क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हमने 8 में से 3 जिम लीडर्स को हरा दिया है, जो कि अच्छी बात है। हमने 30 पोकेमॉन को कैच किया अलग अलग स्पीशीज के। सो यप, एंड अभी हम लोगों को जाना इसके अंदर। वैसे हमारे पास कोई राइड पोकेमॉन है क्या? आई गेस हम इस पे किसी पे तो राइड नहीं कर सकते, बट चलो कोई ना भाई, लोग निकलते हैं अंदर। एंड वेट, मुझे अभी याद आया कि मेरे ज़्यादा पोकेमॉन्स हील नहीं है, तो मुझे पहले उन्हें हील करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे अंदर। सो पहले पोकेमॉन सेंटर में निकलते हैं भाई लोग। एंड यहाँ पर एक फ्री का पोकेबॉल दिख रहा है, 5 पोकेबॉल मिला भाई फ्री का, लेट्स गो। ओके नर्स जॉय, प्लीज़ मेरे पोकेमॉन्स को हील कर दीजिए ज़रा। वैसे नर्स जॉय काफ़ी अच्छे यार, फ्री सर्विस मिल जाता है हमें हर बार पोकेमॉन के लिए, फ्री में भाई सारे पोकेमॉन हील हो जाते हैं, जो कि सही बात है नर्स जॉय। तो भाग लो यार, मैं सोच रहा हूँ अंदर जाने से पहले हम यहाँ से कुछ पोकेमॉन्स को कैच कर ले, जैसे कि ये क्रैबी है रहा, मतलब इसे कैच करके हम टीम में रख सकते हैं। सही बात है, लेट्स गो। बस एक सही, अरे ये ज़्यादा उछल रहा है। ओके ना, नो नो बेटे, यहाँ पर रुक जा। ओके अब पोकेबॉल डायरेक्ट हिट, अरे नहीं एक्सीलेंट नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, कैच हो जाना चाहिए एक ही बार में प्लीज़। ओके दैट्स इट, हमने क्रैबी को तो भाई कैच कर लिया है एक ही बार में। एंड अभी यहाँ पर एक नीडोरैन भी दिखाई दे रहा था, मतलब नीडोरीना था वो, नीडोरीना, ठीक है हमें उसे भी कैच करना है। ओके दैट्स इट, तो यहाँ पर एक नीडोरीना भी है, इसे भी कैच करते हैं भाई, नीडोरैन का फीमेल वर्जन। ओके दैट्स कूल, तो हमें इसे भी एक थ्रो में कैच करना है और नाइस। ओके अच्छा थ्रो तो नहीं हुआ, पर देखते भाई कैच अगर होगी तो अच्छी बात है एक ही बार में प्लीज़। ओके दैट्स इट, हमारे पास अभी आई के स्कूल मिला कि 32 पोकेमॉन्स हो चुके हैं। पोकेडेक्स में देख लेते हैं कितने पोकेमॉन हुए भाई, तो पोकेडेक्स यहाँ पर हमें बता देगा सच्ची सच। ओके ऑप्टेन 32 जैसा मैंने कहा था एंड सीन 53, मतलब अलग अलग ट्रेनर्स के पास हमने अलग अलग पोकेमॉन्स देखे थे जिनको हमने कैच भी नहीं किया, बट जो भी हमारे पास ऑलरेडी 32 पोकेमॉन्स हो चुके हैं एंड हमें और कुछ कैच करने पड़ेंगे, ठीक है। फ्यूरो तो हमने ऑलरेडी कैच कर लिया है, बट आज डार्क केव के अंदर से भी हमें काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को भी कैच करना है ताकि हमारा पोकेडेक्स कंप्लीट हो जाए एंड प्रोफेसर को भाई फुल पोकेडेक्स ले जाके दे हम लोग। वेल ये है डार्क केव एंड यहाँ पर उजाला करने के लिए ना हमने लास्ट एपिसोड में जो फ्लैश लिया था, मतलब लाइट अप, वो काम आता है, लाइक पिकाचू ने यहाँ पर देखो लाइट अप कर दिया अपने टेक्निक से। ओके दैट्स इट, तो अभी देखते हैं। जियोडूड है, हमने जियोडूड का आई गेस कैच कर लिया था तो उसकी ज़रूरत नहीं हम लोगों को। एंड यहाँ पर एक स्लोपोक वाला ट्रेनर भी है एंड पोकेबॉल। ओके लेट्स गो, क्या होता है इसके अंदर? यू फाउंड अ डीपल, ओए इसी की तो जरूरत थी हमें, ठीक है। एंड देखते हैं ओनिक्स, ओ भाई इसे कैच करना तो बनता ही है। वैसे मैं इसको अपनी टीम में भी रखता अगर ये स्टीलिक्स में इवॉल्व हो जाता इस गेम में, बट इस गेम में ना ये इवॉल्व नहीं होता स्टीलिक्स में, क्योंकि जेन 1 का गेम है एंड जेन 1 में भाई स्टीलिक्स आया ही नहीं था। तो चलो भाई इसे भी कैच कर ही लेते हैं, बस 1 2 3 एंड ओके क्या आज भाई लग अच्छा है यार, हर पोकेमॉन 1 थ्रो में कैच हो जा रहा है, जो कि भाई काफ़ी सही बात है। ऐसा भाई मीटो भी कैच हो जाए तो मज़ा आ जाए बिल्कुल। ओके मैजिक आप लेवल 17 में जा चुकी है और 3 लेवल बाद वो इवॉल्व भी हो जाएगी, तो फिलहाल के लिए गाइस इस बंदे से बैटल कर लेते हैं। जुवेट को भी हमने ऑलरेडी कैच कर रखा है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके पोकेमॉन फाइट भाई, देखते हैं इसके पास कौन से पोकेमॉन होंगे। मेरा पिकाचू अगर सामने रहा तो भाई इसके स्लोपोक को तो यार 1-शॉट कर देगा इस। ओके इसका नाम एस्टोन है, एस्टोन का पहला पोकेमॉन इज स्लोपोक, अगर लेजेंडरी स्लोपोक। ओके 1-शॉट तो इसे करना बनता है, बस एक ही जीपी जैप की ज़रूरत है एंड स्लोपोक 1-शॉट हो जाएगा। ओके दैट्स इट ब्रो, 1-शॉट निकल लिया यार ये तो, बाय बाय। और हमारा फर्स्ट ट्रेनर आज का हार चुका है भाई साहब, इसका मुंह देखो यार, मतलब मुंह ही कैसे बना के बैठा हुआ है। वैसे ना इस जगह में बहुत सारे और ट्रेनर्स हैं जिनको मैं फास्ट फास्ट तरीके से हरा के भाई ख़त्म करने वाला हूँ, ताकि भाई अपना मैजिक कार्ड इवॉल्व हो जाए। और यहाँ पर ज़्यादा पोकेमॉन्स नहीं है, मेरे वाइक ही मिल सकता है, मेरे वक्त एक किबोन मिलेगा हम लोगों को एंड साथ ही में एक और रेयर पोकेमॉन अगर मिल गया लाइक नीडोरैन राइगॉन, तो भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एंड ओ मैं चाह मिल रहा, इसको टीम में रख सकते हैं हम लोग, लाइक मैंने काफ़ी टाइम देखना अपने टीम में उसको रखा है, मैनकी को रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार मिचैम को रखते हैं, मज़ा आ जाएगा। अरे रुक जा भाई, ओके लेट्स गो पोकेबॉल एक ग्रेट थ्रो के साथ, इसको भाई देखते हैं कैच करके। ओके 2 3 दैट्स इट, तो इसको मैं टीम में रखने वाला हूँ मैनकी को हटा के। वैसे भी मैनकी प्राइमर बनने के बाद ताकतवर तो बनता है, बट हाँ मैंने ज़्यादातर गेम में ना मैनकी को यूज़ कर रखा है, तो इस बार भाई हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक प्यारे से मचैम को, ठीक है। पिकाचू स्लैम सीख रहा है, बट उसका कोई मतलब नहीं है ना, स्लैम मतलब बॉडी से भाई मारना, बट वो कैसे मारेगा, इतना छोटा मोटा पोकेमॉन है भाई, खुद ही पिट जाएगा। ओके सो दैट्स इट गाइस,
वैसे मेरे बैंकी का स्टेट अगर अच्छा नहीं रहा तो मैं इसे निकाल लूंगा टीम से फिलहाल। ओके वो एच पी में ज्यादा है भाई, उसके अटैकमेटिक ज्यादा पता नहीं है, तो हम लोग एक अच्छे से भाई पोकेमॉन को टीम में ले लेते हैं। आई होप हमने जो अभी पोकेमॉन कैच किया है वो काफ़ी अच्छा निकले। देखते लेवल 22 का है, ये भी अच्छा खासा लेवल का है, तो भाई इसकी थोड़ा समरी वमरी देख लेते हैं भाई। ओके तो इसके पास जो है अपना अटैक ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। बंदे पे अटैक अच्छी है तो भाई बंदा बहुत गंदा मारेगा। एंड इसके पास साइस्मिक टॉस, कराटे चॉप एंड ब्रिज ब्रेक ऑलरेडी है। ब्रिज ब्रेक भाई मस्त है बंदा, तो इसको भाई टीम में लेते डायरेक्टली। लेट्स गो, आ गया मंकी। एंड कुछ और पोकेमॉन्स को टीम में ले सकते हैं आई गेस, बट कोई इतने ज़्यादा अच्छा नहीं है फिलहाल, तो इनको रहने देते हैं। पर बाद में हम लोग नीडोकिंग के रिप्लेसमेंट पे कोई और पोकेमॉन लेंगे। एंड बल्बसॉर को भी टीम से हटाने ही वाले हैं हम लोग फ्यूचर में, मतलब हम लोग सिर्फ न्यू पोकेमॉन्स ट्राई करते रहेंगे। और भाई गोल बैट, ओहो यही तो चाहिए था भाई, गोल बैट, दैट्स इट। इसे भी आज कैच कर लेंगे भाई यहाँ पर। ओके रेड मार्क आ रहा है तो हम लोगों को एक रास्पबेरी तो खिलाना ही पड़ेगा, दैट्स इट, एक शॉट। एंड ओके ब्लू नहीं, सॉरी येलो मार्क आ रहा है, तो बस प्यारे एक बार कैच हो जा रहे हैं। ओके प्लीज़ वन थ्रो भाई, गो नहीं बनना था मैं, बट गो बनने से मज़ा आता है यार, वन थ्रो ली सब कैच हो जाते हैं, बट नहीं लक निकल गया भाई अपना। पोकेमॉन में देखा आप लोगों ने, गो ना एक ही बार में हर किसी पोकेमॉन को पकड़ लेता है, बट ऐश नहीं कर पाता, तो लगता है भाई हम लोग ऐश का लक लग चुका है हम पे, गो का नहीं है भाई। गो तो भाई एक ही बार में हर पोके, देख रहे हो पोकेमॉन भी खुद बोल रहे मत कैच कर भाई मेरे को, ठीक है एक नाइस दो एंड प्लीज़ कैच मेरे भाई, हो जा। अरे नहीं भाई, दो बॉल खा चुका है ये, मैं और एक रास्पबेरी खिलाऊं क्या? नहीं वो काफ़ी महंगे आते यार, और नहीं खिलाने वाला मैं इस पे तो। ओके लेट्स कैच इट, और एक नाइस थ्रो। देख भाई दो रास्पबेरी खा चुका है, दो पोकेबॉल वेस्ट कर चुका है, और आ गया। अच्छा ठीक है गोल बैट कैच हो चुका है हमारा। एंड यहाँ पर एक हमने गोलम भी देखा था ना, गोलम ने इसका छोटा रूप, तो उसे भी हम लपेट लेंगे आज ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रैवलर है जिसको भी हमें लपेटना है आज। वैसे ग्रैवलर भी एक ट्रेड इवोल्यूशन है, मतलब गोलम में इसको इवॉल्व करने के लिए ना हमें किसी इन गेम प्लेयर के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, एंड फिर ये इवॉल्व होगा। तो भाई मेरे कोई दोस्त वोस्त तो नहीं है गेम खेलने में, तो इसी खातिर मैं भाई इसे अपने टीम में नहीं रखने वाला, क्योंकि मैं इसे इवॉल्व ही नहीं कर सकता। पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू में भाई हमें ट्रेड इवोल्यूशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बट भाई मेरे कोई दोस्त ही नहीं है जिनके साथ मैं ट्रेड करूँ, तो उसकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा। ओके लेट्स गो, ग्रेट थ्रो एंड प्लीज़ कैच हो जा भाई। नहीं तो मुझे लगता है ना इस पर हमें एक ग्रेट नहीं एक एक्सीडेंट थ्रो मारना पड़ेगा, और हो भी चुका है, ठीक है प्लीज़ कैच। इस बार तो एक्सीडेंट थ्रो मारा है हमने एंड कैच, ओके दैट्स इट। अच्छा मैं सोच रहा हूँ मचैम्प आज के एपिसोड में इवॉल्व हो जाएगा ना, बिकॉज उसे एक लेवल की ज़रूरत है। एंड एक और स्लोपोक मास्टर हराते इसे, कैंगस खान। ओए भाई स्लोपोक बोल के कैंगस खान लाता है यार। वैसे ये एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है, तो भाई इस पर हम लोगों का डबल किक बहुत अच्छा पड़ने वाला है। अगर कोई अच्छा फाइटिंग टाइप पोकेमॉन टीम में होता, मतलब अपना तो पास, मतलब अपने पास एक पोकेमॉन है पर वो ज़्यादा ही मतलब छोटा मोटा है, तो वो ज़्यादा मार नहीं सकता, वरना मैं उसको ही लाता अभी इसके सामने। पर चलो ठीक है मार भाई, एक शॉट दूसरा शॉट बहुत सही डैमेज। वैसे ला के देखते भाई मचैम्प को अच्छा अटैक मार सकता है, पर नहीं डैमेज बहुत खाएगा भाई, पिकाचू भी मरने वाला है वैसे भी, तो स्विच करना ही पड़ता है। ये अभी मचॉप है, मचैम्प नहीं बना, ठीक है चलो ठीक है भाई। कंगस खान बाइट अटैक यूज़ करता है, ज़्यादा डैमेज तो नहीं पड़ने वाला, ठीक है नॉट इफेक्टिव है ज़्यादा। तो हम लोग भाई एक कैराटे चॉप मारते हैं इसको, इसके औकात दिखा देते हैं। ओके कॉमेट पंच, अब डैमेज पड़ने वाला है। ओके दो मारा भाई, दो हिट दिया इसने, चलो ठीक है एक कैराटे चॉप में निपट जाना चाहिए। और सही भाई क्या डैमेज था क्रिटिकल हिट के साथ, पर अभी कोई क्विक अटैक होता ना तो मज़ा आ जाता, बट कोई ना अभी बीच ब्रेक मारते समझ जाना चाहिए बाइट। अच्छा ज़्यादा डैमेज तो नहीं पड़ने वाला, अगर सेम अटैक करता ना पहले की तरह तो भाई मर जाता भाई अपना पोकेमॉन, बट ठीक है ये भी भाई निकल दिया साइड से ही, अच्छी बात है बाय बाय। तो जो भी है भाई ये भी ट्रेनर हार चुका है, एंड अभी आएगी से यहाँ पर और चार ट्रेनर बाकी है जिनको आज हमें हजाना है। यहाँ पर एक पोकेमॉन राइहॉन मिलता है, तो अगर वो यहाँ पर मिल गया तो अच्छी बात है, वरना तो यार और ज़्यादा घूमना पड़ेगा। ठीक है यू फाउंड इट रिवाइव, दैट्स ग्रेट, मेडिसिन पॉकेट में वो निकला, बट यहाँ पर अरे राइहॉन चाहिए तो ऑनिक्स नहीं, ऑनिक्स जैसे मस्त है पर राइहॉन भाई हमें अभी फिलहाल के लिए चाहिए, तो फिलहाल भाई राइहॉन की ज़रूरत है। और भाई इससे फाइट नहीं लेने वाला मैं, ये फाइटिंग टाइप मास्टर लग रहा है। एंड कैंगस खान यहाँ पर दिख रहा है, ओ शिट ब्रो रेयर स्पॉन है ये आसानी से तो नहीं मिलता है यहाँ पर मुझे जितना पता है, बट दिस इज़ अ रेयर स्पॉन, तो या हम लोग इसे कैच करने के लिए एक रास्पबेरी तो यूज़ कर ही सकते हैं। और अल्ट्रा वॉल नहीं है ना हमारे पास, देखना पड़ेगा, नहीं बस ग्रेट बॉल तक अभी हम लोग अपग्रेड हुए हैं, तो इस बंदे को कैच करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सीलेंट थ्रो, और नहीं यार थोड़ा के लिए मिस हो गया,
देखते बस, कैच प्लीज प्लीज बॉय। अरे नहीं यार, ये बस रन ना कर जाए, ठीक है रन ना कर जाए, उससे पहले अगर हम इसे कैच कर सके भागने से पहले, लेट्स गो। अरे नहीं, फिर से एक्सीलेंट थ्रो नहीं हो पाया भाई। ओके प्लीज कैच कैच हो गया। अरे नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है हमें दोबारा से रास्पबेरी खिलाना पड़ेगा इसको। मेरे पास एक सिल्वर रास्पबेरी तो है, पर वो मैंने कुछ ज़्यादा अच्छे पोकेमॉन्स के लिए रखा है। ओके दैट्स इट, कैच हो जा हो जा हो जा। ओके दैट्स इट बॉयज, फाइनली वी कैच ए कैंगस खान। तो भाई इसको भी मैं टीम में रखने वाला हूँ, बाय द वे आई एम सो सॉरी बट हाँ निडोकिंग टीम से निकलने वाला है फिलहाल। मुझे कहते हुए तो दुख लग रहा है बट हाँ निडोकिंग का भाई लगता कैंगस खान भी अब टीम में आने वाला है। मतलब इस सीरीज में ना हम लोग हर पोकेमॉन को ट्राई करते जाएंगे ताकि बिल्कुल मज़ा आए प्ले करने में, ठीक है। हर पोकेमॉन को कुछ टाइम के लिए टीम में रखने वाला हूँ मैं, एंड दैट्स इट। यहाँ पर डा कैंगस खान, लेट्स गो। इसको भाई निडोकिंग की जगह में रखते हैं, दोनों की एचपी वीएचपी देख लेते हैं डिफरेंस कितना है दोनों में। ओके इसके पास अटैक ज़्यादा है एंड स्पेशल अटैक कम है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं इसे। ओके इसके पास भी अटैक्स काफ़ी अच्छे खासे हैं बट फिलहाल ये हमें नहीं चाहिए भाई। सो या अभी भाई कैंगस खान के बिल्कुल थैली में बैठ के निकलते हैं, उसके थैली में बैठेंगे उसके पीठ में, मुझे पता नहीं कहाँ पर बैठ, अच्छा उसके थैली में बैठ सकते। ओए वेट, पिकाचू नीचे है एंड हम लोग ऊपर है, ये तो भाई मज़ा आ गया देख के। तो हमें इस ट्रेनर को अवॉइड करना है एंड ओके दैट्स इट, नाइस वी गॉट ए डेड हिट। ओके सही बात है, तो हम लोग आगे निकलते हैं भाई। कैंगो कैंगो कैंगस खान, ओके कैंगा कैंगा कैंगस खान, ऐसे साउंड होता है इसकी। एंड यहाँ पर ऊपर की साइड ट्रेनर होने वाला है, नीचे की साइड एक और ट्रेनर और एक रेयर स्पॉन। भाई आज मैं लकी हूँ क्या अलग सा। चलो कोई ना, हम लोग कैंगस खान के ऊपर बैठ के ऊपर के ट्रेनर को बीट करके निकलेंगे। नहीं भाई उधर देख, ठीक है सही बात है। एंड लेट्स गो, वी फाउंड ए ग्रेट बॉल, मतलब तीन ग्रेट बॉल मिले एक नहीं, पर भाई ये उस तरफ देखे फिर मैं जाऊँगा। ओके नाइस नाइस नाइस, चल जा। ओके सही है, चलो। तो अभी भाई यहाँ पर कुछ और ट्रेनर बाकी है एंड यहाँ पर लिटरली हमें एक बैटल लेना ही पड़ता है। नीचे की साइड एक ट्रेनर बैठा रहेगा एंड ऊपर की साइड भी एक ट्रेनर बैठा ही रहेगा, तो किसी एक को हराना पड़ेगा हमें, तो पहले इसको हरा देते भाई। अच्छा इसके पास एक ग्राउंड लेता है, लेट्स गो फ्लाइंग थ्रू। अच्छा भाई सही डैमेज देने की कोशिश कर रहा तो हमें, ओ भाई क्रिटिकल हिट लगा। चलो ठीक है, दोनों के लेवल तो सेम है, देखते भाई कौन किसे हरा पाता है। फेक आउट है टेल व्हिप, चलो कोई बात नहीं रेंज करके देखते हैं इसके ऊपर। ओके ओहो फ्लेम थ्रोअर, नहीं यार बहुत गंदा डैमेज पहुंचेगा। ओके सो नाउ वी यूज बाइट एंड देखते भाई कितना खतरनाक डैमेज पहुंचता है बाइट से। एंड ओके बट कोई बात नहीं क्या। ओके ये मूव भी नहीं कर पा रहा ग्राउलित ब्रो, कैंगस खान ने क्या मारा है उसे एंड ओह हरा दिया है। ये बोलते हैं ना भाई कैंगस खान पावर्ड, तो इसके पास एक ही पोकेमॉन था एंड इसी के साथ आई गेस ये हार चुका है। ओके यहाँ पर और एक बंदा है जिसको हमें हराना पड़ेगा, बट वी फाउंड एस्केप रोप। ओके सही चीज़ है, हम लोग पिकाचू को हील कर लेते हैं वापस से ही, सुपर पोजिशन एक से हील हो जाना चाहिए बस। ओके दैट्स इट, कैंगस खान को हील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भाई ज़्यादा काम भी नहीं आने वाला। पर अरे यार इतने सारे कैंगस खान यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही लग अच्छा है यार हमारा। तो इस बंदे के पास भी एक मैचॉम्प है भाई, इसको तो यार पिकाचू इजीली हरा देगा। एंड लेट्स गो, एक ही बस जिपी जैप की जरूरत है भाई हमें यहाँ पर। एंड दैट्स इट पिकाचू, बस वन शॉट बस वन शॉट। ओके बूम, अरे भाई सही डैमेज दे दिया इसने तो यार, मचअप इज ब्रिस बेक। ओके ब्रिस बेक से काफ़ी अच्छा डैमेज नहीं पहुँचा, पर हाँ हमारा नेक्स्ट अटैक इसको मार देगा एंड मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसका नेक्स्ट पोकेमॉन ना एक ऑनिक्स या एक जियोडूर में चेक होगा या गोलम, गोलम नहीं इसका छोटा रूप ग्रैबलर, देखना यही होने वाले भाई इसका नेक्स्ट पोकेमॉन। वेल स्प्लॉट भी हो सकता है बट देखते हैं कौन सा पोकेमॉन भाई निकालता है। ड्राइगॉन, नहीं यार ड्राइगॉन निकाल रहा भाई, मेरा पूरे प्रेडिक्शन से भाई उल्टा निकल गया भाई इसके अटैक तो यार। चलो हमें आइवसॉर को निकालना पड़ेगा फिलहाल, ठीक है। पिकाचू कम बैक, वापस आ जाओ पिकाचू, अब ड्राइगॉन की बार गया है। ओके तो ड्राइगॉन उसका आ चुका है एंड हमने बल्बसॉर को मतलब आइवसॉर को भेजा है, और आइवसॉर के पास कोई अच्छे अटैक्स नहीं है फिलहाल। अगर लेजर लीफ होता तो ये हरा पाता, पर पता नहीं यार पागल है नल्ला, बस वाइंड व्हीप लेके घूम रहा है। चलो ठीक है ड्रिल रन, बहुत सही डैमेज पहुंचेगा भाई, बहुत सही डैमेज पहुंचेगा, ठीक है इतना नहीं पहुंचा बट सही है। एंड एक और वाइन भी यूज़ करते हैं हम लोग, दैट्स इट हो चुका है काम अपना, ये भी हार चुका है। सो भाई मेरे को अभी एक चीज़ याद आ रहा है ना, हमारा चौथा जिम जो है वो होने वाला है ग्रास टाइप का, तो उस जिम में जाने से पहले अगर 4 मिलियन इवॉल्व हो जाता तो अच्छी बात है, पर उसके लिए हमें और 16 लेवल की जरूरत है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलने वाला है। तो देखते भाई कुछ रेयर कैंडी वेयर कैंडी अगर खरीद सकते हैं हम लोग तो खरीदेंगे, वरना तो यार ऐसे ही निकलना पड़ेगा। ओके इतने सारे पोकेमॉन्स के लिए भाई यहाँ पे मैंने सबको कैच कर लिया है,
और ऊपर के साइड नहीं एक बंदा है भाई, इसको हटाने का कोई मूड नहीं है मेरा। चल भाई, अरे अरे इस साइड, ठीक है। तो इसका नाम है एस ट्रेनर सोफिया एंड इसका पहला पोकेमोन है वल्पिक्स। हम लोग इसे वन शॉट कर सकते हैं सीपी जैप के सारे, एक शॉट में तो भाई निकल जाना ही चाहिए बिल्कुल। अरे थोड़ा बच गया यार। फ्लेम स्वॉर्ड, अच्छा डैमेज मारेगी, अच्छा डैमेज मारेगी ये। अरे यार गंदा डैमेज पहुंच गया बहुत। एक क्विक अटैक मार के निपटाते इसे जल्दी से, खत्म। तो उसका नेक्स्ट पोकेमोन है कडाबरा। वेल इसके एचपी लो होती है तो हम इसे एक ही बार में निपटा तो सकते हैं, पर मैं केंगस खान को भेजना चाहूँगा बिकॉज ही हैव बाइट, जो कि भाई इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव लगेगा। ओके कडाबरा भाई आ चुका है एंड इसके ऊपर एक ही शॉट से भाई ये मरना चाहिए, बस एक ही बाइट से मर जाए प्लीज़। लेवल 25 का है भाई, नहीं नहीं अपना पोकेमॉन गया भाई, वो पहले अटैक कर रहा है, मैं कैसे बोल सकता भाई। कडाबरा की स्पीड ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, ठीक है उसकी स्पीड ज़्यादा है भाई। अपना केंगस खान तो यार हार चुका है यहाँ पर, बस पिकाचू ना मारा जाए बस यहाँ पर भाई। देखते हैं एक ही शॉट से भाई, अगर ये काउंटर हो गया तो अच्छी बात है, वरना तो यार हम लोग ही मारे जाएंगे। पर ओ वन शॉटेड भाई पिकाचू, ऑसम। अरे यार अब तो यार बात बन गई, क्योंकि उसने मुझे 5 अल्ट्रा बॉल्स दिए। मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। ओके ये रहा भाई 5 अल्ट्रा बॉल्स मिल चुके हैं, मतलब अगर कोई खतरनाक पोकेमॉन आगे आता है तो हम उसे कैच कर सकते हैं। फिलहाल भाई सेव कर लेते हैं गेम को। सो या अब यहाँ से एक और लास्ट ट्रेनर है जिससे हम बैटल तो नहीं करने वाले, उस तरफ देख ले भाई। ओके नाइस लेट्स गो। एंड अभी ये जगह बिल्कुल लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और ट्रेनर्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है एंड देन हम लोग फ्रीली यहाँ से निकल सकते हैं। ओके पीछा छोड़ दे भाई मेरे, क्या इसमें सैंडस्ट। ओके ये अच्छे पैसे में बिक जाएगा, 300-400 में तो बिक ही जाएगा भाई, सही है। और लास्ट और एक ट्रेनर है इसके पास वल्पिक्स होने वाला है। आई नो पिकाचू को हील करते हैं, नहीं हराते जल्दी। ओके सो यार लास्ट ट्रेनर को अभी हरा देते हैं, इसका नाम है पिंकर डाना। ओके डाना इसका नाम एंड इसके पास म्यूट है भाई, मैं डर गया था म्यूटो लगा था मेरे को पता नहीं क्यों, पर क्यों भी है म्यूटो नहीं है, बस एक म्यूट है छोटा मोटा सा जो कि ऐसे हार जाएगा। वैसे ये पिकाचू बिल्ली है एंड ये म्यूट है भाई, चूहे बिल्ली का खेल हो गया यहाँ पर कोई बात नहीं। फेक आउट नहीं, पिकाचू तो अटैक नहीं मिस करना चाहिए देख। अरे नहीं यार पिकाचू अटैक नहीं कर पाया यार, ये होता है यार सामने अगर बिल्ली हो तो यार चूहे अटैक ही नहीं कर पाते, पर कोई नहीं पिकाचू वन शॉट ले उसे मार तो सकता। ओ भाई साहब ये बोलते ना जब भी अटैक किया भाई एक ही बार में फिनिश आउट म्यूट, नाइस। नेक्स्ट उसका वल्पिक्स है। ओके इसे भी हम लोग वन शॉट नहीं कर पाए क्योंकि पहले भी एक वल्पिक्स आई थी एंड उसको भी हम लोग वन शॉट नहीं कर पाए थे, पर ट्राई तो कर सकते हैं भाई। पिकाचू की लेवल काफ़ी अच्छी है, उससे 3 ज़्यादा है भाई लेवल, तो पिकाचू प्लीज़ ट्राई कर उसे वन शॉट करने के प्लीज़। ओ नाइस, तो भाई लास्ट ट्रेनर इस केव की हार चुकी है एंड फाइनली अभी हमें बाहर जाने का मौका मिलने वाला है। ओके लेट्स गो, हमें नीचे की साइड जाना है, पर साइड से साइड में कुछ पोकेबॉल वोकेबॉल पड़ा रहे हैं एंड या ऐसे ही होता है भाई वीरान जगह पे ऐसे मिलते हैं भाई बहुत सारे चीज़ एंड पर्ल मिला है हम लोगों को जो कि 3000 पोके डॉलर में तो बिक जाएगा। ओके सो अभी इस केव से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं एंड बाहर भाई लेवेंडर टाउन हमारा वेट कर रहा है एंड आई नो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ट्रेनर्स होने वाला है, पर उन सारे ट्रेनर्स को हमें यार हराना है आज। ओके नहीं मैं बैटल नहीं करने वाला। हराने का मतलब ये नहीं कि बैटल ही कर दो सिर्फ और सिर्फ, हराने का मतलब ये है कि उन सब से बच के निकल जाओ, ठीक है। तो ओके दीदी जी आप उधर ही देखते रहो, हम लोग पीछे से निकल सकते हैं एंड भैया जब एंड भाई साहब आप भी उधर ही देखते रहो, हम लोग इधर से निकल जाएंगे, ठीक है। नाइस तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लेवेंडर टाउन में एंड ला 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 ला। ओके फाइनली हम लोग आ चुके हैं एंड वेट किबोन, मत जा भाई मत जा। ओके जा रहा है, नहीं इससे जाना ही अंदर, चल ठीक है। एंड ओके अब ये भी जाएगा ना अंदर गोश्त चावल में, भाई चावल के अंदर भूत है समझो भाई, ऐसे नहीं जाते। ये भी निकल गया देख रहे हो भाई, भूत यार समझा करो यार भूत। वेल ये दोनों तो भाई गोश्त चावल के अंदर जा चुके हैं एंड शायद से हमें भी जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले पोकेमॉन हील करवाते हैं, तो भाई मैंने अपने पोकेमॉन्स को तो हील करवा लिया है, पर अभी हमें जाना है इस लेवेंडर टावर के अंदर, मतलब यार घोस्ट टावर के अंदर जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ आज के एपिसोड बहुत लंबी हो चुकी है एंड हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे इस टावर के अंदर एंड इस टावर के सारे मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे एंड इस टावर के अंदर कौन सा घोस्ट है भाई उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल आज के एपिसोड यही तक थी, लेट्स बाय गाइस, मीट यू अगेन नेक्स्ट एपिसोड।